अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज रिटन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन टू विच द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज मैप्ड अंडर अ रिफ्लेक्शन. ओके, इक्वेशन बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन की गिवन है. क्या इक्वेशन ऑफ द लाइन? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन होगी तो सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है. ओके, ये देखिए इस तरह. अब जो राइट साइड पे वैल्यू है वो टॉप पे होगी, दूसरी रिटर्न आपकी अपनी चॉइस की कोई भी इसमें वैल्यू ले ले. जैसे अब इस केस में इन्होंने -1 0 1 लिया है, या कुछ भी कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं. ओके, अब जब आपने एक्स की वैल्यू -1 ली है इस वाले में, तो 3 को जब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 3 प्लस 2. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, फिर क्या आ जाएगा 0 एंड 2, और फिर क्या आ जाएगा +1 एंड 5. एक्स की वैल्यू आपने -1 0 एंड +1 ली है, और वाई की वैल्यू क्या आई है, -1 +2 एंड +5. क्लियर हो गया? अब हमने उसके बाद दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. आपने ये जो आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने टेबल ले लिया. टेबल लेने के बाद आपने क्या कर किया, आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए. एक्स एक्सिस का -1 है, तो वाई का भी क्या है, -1. ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया. सेकंड क्या है, 0 एंड +2, और थर्ड क्या है, +1 एंड +5. अब हमने इस सारे को क्या कर देना, हमने इसको लोकेट कर देना है. किधर लोकेट करना है बेटा, हमने इसको कार्टीजन प्लेन पे लोकेट करना है. ओके, तो सबसे पहले मैं, एक सेकेंड, मैं आपको कार्टीजन प्लेन आपको दिखाना चाह रही हूँ. एक मिनट, हम इसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर देंगे. ओके, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें. ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है. ये y एक्सिस है. ओके, सबसे पहले आपने जो पॉइंट लिया है वो है x एक्सिस का +1 है और y एक्सिस का -1 है, फिर 0 एंड 2 है, ऐसे ही है ना. ओके, हम दोबारा पॉइंट्स देख लेते हैं अपने जो हमारे थे. ओके, x का -1 है और y का भी -1 है, फिर 0 एंड 2 है, फिर +1 एंड +5 है. ओके, एक्स एक्सिस का -1 है और उसका भी -1 है. ओके, और फिर 0 एंड 2 है, और फिर उसके बाद ये वाला है. अब आपने ये जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए, इसको मैं ये जैसे ये देखिए आपको शो करके दिखा दे तो तक आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, हमने लॉन्ग लाइन लगानी है. पॉइंट्स हमारे 3 हैं, लेकिन हमने लाइन लॉन्ग पूरे कार्टेशियन प्लेन पे लगानी है. क्यों लगानी है, इसकी एक रीजन मैं आपको बताती हूँ. ये जो येलो लाइन है हमने पूरे कार्टेशियन प्लेन पे लगाई है. ओके, पॉइंट्स हमारे ये 3 थे. अच्छा, फर्स्ट थिंग ये मैं आपको बताती हूँ, वो ये येलो लाइन ने जब वाई एक्सिस को जहां कट किया है, वो हमारे पास बेटा क्या पॉइंट आएगा, वो हमारे पास पॉइंट ए आएगा. इसको हम साथ के साथ लिख लेते हैं. जहां इसने वाई एक्सिस को कट किया है, वो हमारे पास क्या पॉइंट आया है, पॉइंट ए. ओके, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ए. और इस पॉइंट ए में एक्स क्या है बेटा, 0, और y क्या है, +2. क्लियर हो गया? दिस वन इज योर पॉइंट ए, जहां इसने ये कट किया. ओके, सेकंड, ये जो येलो लाइन है, इसने जहां x एक्सिस को कट किया, देखिए ये -1 है, इससे ये थोड़ा सा पहले है, लेकिन इसके मिड से ज्यादा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको 0.6 कह लेंगे. ये जो हमारा पॉइंट है, इसको मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ. ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम बेटा वही येलो लाइन है, जब वाई एक्सिस को कट के तो हमने इसको पॉइंट ए का नाम दिया है, और जहां इसने एक्स एक्सिस को कट के उसको हमने पॉइंट किसका नाम दिया, हमने उसको पॉइंट बी का नाम दिया. इधर जहां कट के, यही मैं लिख लेती हूँ. ओके, ये पॉइंट बी है, और इसके जो वैल्यू है वो है -0.666 है, लेकिन हम इसको 0.6 ले लेते हैं. और यहाँ आपके पास वाई एक्सिस क्या है, 0. पता है ना आपको, पूरी वर्टिकल लाइन में एक्स 0 होता है और पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन में वाई 0 होता है. ये आपको नजर आ रहा है? ठीक है, ये जो हमने इनिशियल 3 पॉइंट टेबल के लिए थे, तो उससे हमने ये किया.
उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ पूरी हम। ओके नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। ये देखें अब हमने क्या किया है, एक सेकंड। अब उसके बाद ये देखिए आपने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है, आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस के। ओके अब आपके पास पॉइंट क्या है, 0 एंड 2 है। आपने इसको एक्स जो पॉइंट ए है इसको आपने एक्स एक्सिस के करना है। एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसकी वैल्यू चेंज होगी, वाई की। तो ए प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का -2। तो -2 वाई का किधर होगा, नीचे हो जाएगा। ओके तो ये जो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये हो जाएगा ए प्राइम। इसको भी हम लोकेट कर लेते हैं। ये देखें यहां हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्राइम, ये -2 है, ये प्लस 0 एंड 2 है। तो हमने जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग किया तो ये क्या आ गया, 0 एंड -2। इसको भी हम लिख लेते हैं, इसके मैं कलर चेंज कर लूं। और इसको हम लिख भी लेते हैं एग्जैक्ट, इसके ऊपर ही लिख लेते हैं। ये हो गया ए प्राइम। ओके और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 एंड -2। सॉरी क्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास ए प्राइम। दिस वन इज योर ए प्राइम। ओके और ये क्या है, 0 एंड -2। और इधर ये था हमारे पास बी, एक जब हमने एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन दिया तो क्या आ गया, 0 एंड -2। और ये येलो लाइन है जहां ये टच किया वो क्या है, 0.6, -0.6 एंड 0। अब ये जो हमारे पास बी है और ये जो हमारे पास ए प्राइम है इसमें से हमने एक लाइन गुजारनी है। ओके लेकिन उससे पहले इसका सारा प्रोसीजर अब हम कर लेते हैं। ये देखें ए प्राइम और बी से हमने निकालनी है, उसके लिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट का बेटा फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 और फिर क्या है, x2 - x1। अब y2 क्या है आपके पास, 0 और ये क्या है, -(-+2) फॉर्मूले का लगेगा। ठीक है ये देखो -(-+2) और नीचे क्या आएगा, -0.6 और 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ओवर -0.6। ओके और ओके अब यहाँ आपके पास जो ग्रेडियंट है वो क्या आ गया, -3। और जो आपके पास ए प्राइम है ऑब्वियसली उसने वर्टिकल एक्सिस को कहाँ कट किया, -2 पे, तो यहाँ सी क्या हो गया, -2। अब हमारा इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू -3x - 2। -3x को आप इधर मूव करें तो क्या आ जाएगा, y+3x = -2। ठीक है अब ये मैं डायग्राम से आपको शो करती हूँ। देखिए बेटा इनिशियल जो आपके पास ये आपने जो टेबल बनाया उससे आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। 3 पॉइंट ने जहां वाई एक्सिस को काट के वो आपका पॉइंट ए है और जहां एक्स को काट के वो आपका पॉइंट बी है। ए को आपने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना है, जब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रिफ्लेक्ट करना है तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो वाई की वैल्यू 2 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, -2। फिर आपने क्या करना है, बी और ए प्राइम जो है इधर से आपने आपने एक लाइन लेनी जो क्या बनेगी, y+3x = -2। -2 क्यों, क्योंकि इसने वाई एक्सिस को -2 पे कट किया और आपका ग्रेडियंट जो है वो -3 है। इसको मैं अभी शो करती हूँ, एक सेकेंड, दिस लाइन। ये हमने लाइन लगा ली और ये आपके पास आ गया y+3x = और ग्रेडियंट हमारे पास था -3 और जब हमने उधर मूव किया तो क्या हो गया, +3। और जो y इंटरसेप्ट है जिसको आप c कहते हो वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है -2 के। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आपकी बन गई पॉइंट b और a प्राइम से निकल के। ठीक है अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट पार्ट हमने इसको वाई एक्सिस के, जब वाई एक्सिस के इक्वल करना है तो ऑब्वियसली ये देखो ये बी और ये ए प्राइम जो है इससे ही हमने ये वाली लाइन लगा ली। जब हमने इसको इससे करना है वाई तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट बी होगी।
अब ये देखो, अगर बी माइनस 0.6 है, माइनस इस तरफ है, तो इसका बी प्राइम क्या हो जाएगा? प्लस, ओके, प्लस 0.6। वेट, ये देखे दिस वन। अब इसको और ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है, ए और जो बी प्राइम है, इधर से आपने एक लाइन लगानी है। ये जो आपने लाइन लगानी है, तो जाहिर है इसका भी बेटा आपने ग्रेडियंट भी लेना है। तो बी और ए आपने ए और बी प्राइम से लिया, तो ये क्या बन गया? 0.6 एंड 0, और ये क्या है? 0 एंड 2। इसका आपने ग्रेडियंट वही लिया, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। सोल्व किया तो इसका ग्रेडियंट भी आ गया -3, और इसका वाई इंटरसेप्ट जिसको सी कहते हैं वो क्या आ गया? इन अदर वर्ड, कहाँ इसने कट किया है? इसने वर्टिकल लाइन में +2 से कट किया है। तो ये आपके पास क्या आ गया? सी +2। क्लियर? अब इसको मैं शो करती हूँ तो आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं एक से। ठीक हो गया। अब हम इसको ये देखें, ये हमने कट कर, ठीक है? ये आपके पास बी प्राइम है, ये आपके पास ए है, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई जो अभी हमने फाइंड आउट किया। इसको भी मैं लिख लेती हूँ। ये क्या आ गया? ये आ गया वाई, इसका भी ग्रेडियंट -3 था, जब आपने दूसरी तरफ मूव किया तो क्या आ गया? +3x। और इसका आपके पास y इंटरसेप्ट कहाँ उसने कट किया? +2 से। और वो जो फर्स्ट लाइन थी उसको किधर से किया था? -2 से, ठीक है? इसको किससे किया? +2 से। अब आपने क्या करना है? अब बेटा हमारे पास उन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया। थर्ड क्या ऑप्शन दिया? फर्स्ट तो दिया था ना एक्स एक्सिस, और सेकंड दिया था वाई एक्सिस, और थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया वो मैं आपको बताती हूँ। वो हमें दिया एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स एक्सिस का जहां 2 है वहां पे एक लाइन लगानी है, और इसके अकॉर्डिंग आपने ये फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या ले लेना है? ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम, और फिर आपने इसका स्लोप लेना है। और जब हम स्लोप लेंगे तो अगेन इसका देखें, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन इसका ग्रेडियंट -3 आ जाएगा। ओके, अभी हम ये करते हैं ना, फिर आपको क्लियर होगा। अब ये देखें, अब आपने क्या लिया? x इज इक्वल टू 2 ले लिया। एक सेकेंड मुझे दें जरा। x इज इक्वल टू 2 लिया आपने, ये देखें, ये z x इज इक्वल टू 2 है, ये में हम लिख भी लेते हैं। ये जो है ये आपके पास है x इज इक्वल टू +2, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई, ये मैरून कलर की, ठीक है? अब यहाँ एक ये जो पॉइंट है देखें, दिस वन, आपको याद क्या? x इज इक्वल टू 2 पे जो आपके पास एक पॉइंट है, इसको इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब ये वैल्यू, ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है? 8। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? इनवेरिएंट, ठीक है? इसको भी हम लिख लेते हैं। जो इनवेरिएंट पॉइंट है वो क्या है? एक्स एक्सिस का क्या था बेटा? +2, और वाई एक्सिस का क्या है? +8। और ये वो पॉइंट है जो इनवेरिएंट है, मतलब ये अनचेंजेबल है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। अब हम ले लेते हैं ए डबल प्राइम, ओके? डबल जो प्राइम है वो हमने किसके अकॉर्डिंग लेना है? इस एक्स इज इक्वल टू +2 के लेना है। सबसे पहले हम यही ले लेते हैं। अब ये पता है x की वैल्यू +2 है, तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग ले लेना है। तो a की वैल्यू क्या थी? 0, मतलब है ये +2 से 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूव किया। तो अब ये 2 यूनिट किस साइड पे मूव करेगा? राइट साइड पे। तो 2 से 2 यूनिट राइट साइड पे मूव करेंगे तो किधर आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 पे आ जाएगा। ओके, इसको भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखें, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है? ये देखिए, वाई की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू 4 है। ये हमारे पास क्या आ गया? ए डबल प्राइम। इसको हम यहाँ यही लिख लेते हैं। ये देखें, ए डबल प्राइम क्या है आपके पास? ये आपके पास है एक्स की वैल्यू है +4 और वाई की वैल्यू है +2। ये हमारे पास क्या आ गया? ए डबल प्राइम। इसको हम शो भी कर लेते, सॉरी,
ये देखिए ए डबल प्राइम, ठीक हो गया, ए डबल प्राइम आ गया, प्लस 4 प्लस 2। अब वही एक्स इज इक्वल टू 2 से हमने बी पॉइंट को देखना है। देखिए बी जो है ओरिजिन से इधर तक कितने स्टेप मूव है, -0.6, और ओरिजिन से इधर 2 तक कितने, 2, तो 2.6 की मूवमेंट हमने इस साइड पे लेनी है। तो 2 स्टेप हम इधर करेंगे तो 2 से ये 4 पे जाएगा और यहाँ के इधर आ जाएगा 4.6। ये देखें बेटा ये 2 है और ये 0.6 है, और ये भी क्या है, ये इधर से ये 2 है और ये 0.6 है। एक हमने ये बी डबल प्राइम ले लिया, एक ए डबल प्राइम है, एक ये इनवेरिएंट है। इन सबको ज्वाइन करके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, जो आपने ये लाइन ड्रॉ की है तो ये देखिए तीनों पॉइंट से गुजरी है, इनवेरिएंट से गुजरी है, ए डबल प्राइम से गुजरी है, ये बी डबल प्राइम से गुजरी है। ये जो लाइन है इसने यहाँ वाई एक्सिस को कहाँ कट किया, 14 पे। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगी। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी वाई इज इक्वल टू, ओके ये भी -3x है तो हम इसको उसी साइड पे मूव कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी y प्लस 3x इज इक्वल टू, और ये y इंटरसेप्ट क्या है, +14। इज इट क्लियर? ये आपके पास b डबल प्राइम है, ये भी लिख लेते हैं। b डबल प्राइम की आपके पास ये इसकी वैल्यू है, ये इस साइड पे मूव है ना, राइट साइड पे, तो +4.6, और आपके पास y क्या है, 0। अब ये देखिए हमने ये 3 पॉइंट्स ज्वाइन किए, बी डबल प्राइम, एक सेकेंड, ये देखिए हमने ये बी डबल प्राइम लिया है, ए डबल प्राइम लिया, और ये इनवेरिएंट लिया है, ये वाला। इन तीनों को ज्वाइन किया तो इसने वर्टिकल लाइन को 14 पे कट किया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11? प्रोसीजर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये इनवेरिएंट है, ये 14 पे यहाँ कट कर रहा है, ये वाला, ये ज्यादा क्लियर हो गया ना, ये देखें सही हो गया। दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने, ये देखें मैंने ये आपके लिए इसका थोड़ा नीटली भी बना लिया। ओके, इसको एक सेकंड अरेज कर दूंगा ताकि आपको नीटली हो। अब ये क्लियर हो गया आपको बेटा? देखिए ये इनिशियल आपके पॉइंट था, ये ऑरेंज कलर की लाइन है, यहाँ ए था। ओके, ये हमने इसने जो फर्स्ट इनिशियल हमारी लाइन थी, इसने वाई एक्सिस को ए पे कट किया और ये एक्स एक्सिस को इसने बी पे कट किया। फिर इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू हमने एक्स एक्सिस किया तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो ये वाई की वैल्यू ये +2 है तो चेंज होके क्या होगी, -2, ये नीचे आ गई। ये आपके पास ए प्राइम है, ए प्राइम और बी को मिला के आपने जो ग्रेडियंट लिया, y2 - y1, x2 - x1, तो आपके पास ग्रेडियंट क्या आ गया, स्मॉल m क्या आ गया, -3। ओके, और y इंटरसेप्ट क्या आपके पास, -2। उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बन गई y +3x इज इक्वल टू -2। फिर आपने बेटा क्या लिया, फिर आपने y एक्सिस के अकॉर्डिंग किया, y एक्सिस के किया ये जो है -0.6 और 0, तो x की वैल्यू चेंज हुई, तो माइनस से क्या होगी, प्लस होगी, इधर होगी। क्लियर? तो हमने एक b ले लिया और एक हमारे पास दूसरे वाला जो पॉइंट था वो क्या था, ये वाला जो हमारे पास है 0 एंड 2। ओके, और ये हमने ऑरेंज कलर की लाइन ड्रॉ कर ली, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट, और सी पार्ट क्या था, एक्स इज इक्वल टू 2 दिस वन, और इससे आपने इसका डिस्टेंस लेना है, पहले आपने ए का और उसके बाद बी का लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये दोबारा मैं दिखाती हूँ पेंसिल वाला। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो फिर अल्लाह हाफिज।